वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में प्राइमरी सोर्सेज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली हम इस वीडियो में सिर्फ दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसे हम शॉर्टली ASNPO भी कहते हैं, और प्राइमरी सोर्स ऑफ अकाउंटिंग इस सिलसिले में जो गाइड किया हुआ है इस स्टैंडर्ड के अंदर वो क्या है। तो इन दो पॉइंट्स पे वन बाय वन बातचीत करते हैं। सबसे पहले की पॉइंट ये हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ASNPO भी हम कह सकते हैं, और बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्टली NPOs भी कहा जाता है। तो इस पर ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये ICAAP ने इशू किया है। इसे हम फॉलो क्यों करते हैं, क्योंकि SCCP ने एक डायरेक्टिव इशू किया हुआ है जिसके मुताबिक ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई हो जाता है। इसकी जो एप्लीकेशन है उन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर है जिसे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 42 में कहते हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, और वो रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनीज एक्ट 2017। तो ऐसी जो NPOs होती हैं उन पर कंपनीज एक्ट की फिफ्थ शेड्यूल की रिक्वायरमेंट्स भी अप्लाई होती हैं, वो भी उन्हें फॉलो करनी होती हैं डिस्क्लोजर में, और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है NPOs का ये भी वो फॉलो करती हैं। अगर कोई कंफ्लिक्ट हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPOs में और कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट में, तो कंपनीज एक्ट अप्लाई किया जाएगा, यानी जो प्रायोरिटी दी जाएगी, जो प्रिवेल करेगा वो कंपनीज एक्ट करेगा, उसकी अथॉरिटी ज़्यादा है। अब हमने जिस तरह भी यहाँ पर डिस्कस किया कि ये अप्लाई तो उन पर होता है जो रजिस्टर्ड हों अंडर कंपनीज एक्ट, लेकिन इसके अलावा भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे छोटी मोटी चैरिटीज भी हो सकती हैं, और उसके अलावा वेलफेयर सोसाइटी एक्ट के अंदर भी कुछ रजिस्टर्ड होती हैं, तो वो भी चाहें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO अप्लाई कर सकती हैं। उनके लिए कंपल्सरी नहीं है लेकिन अलाउड है कि वो चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अब इस सिलसिले में जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो हमें अंडरस्टैंड करनी है। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO है ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करता है, जो जैसे कि डोनेशन जो मिलती है उसको कैसे डील करना है, कोई जो मुफ्त में एसेट्स मिल जाते हैं उनको क्या करना है, कोई मटेरियल या सर्विसेज वॉलंटियर्स की मिलती है तो उसे कैसे डील करना है। जो रूटीन अकाउंटिंग है कि जैसे आप अगर कोई चीज़ परचेज करते हैं या कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रूटीन में खरीदते हैं, या आप कोई बिजनेस में जो रूटीन ऑपरेशन में सैलरीज वगैरह की अकाउंटिंग है, वो सब के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO जो है वो हर चीज़ के ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। तो उसमें एक हमें प्राइमरी सोर्स ऑफ अकाउंटिंग यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल IFRS जो हैं वो भी एक प्राइमरी सोर्स कंसीडर होते हैं, वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स। अभी हम डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से प्राइमरी सोर्स हैं। तो यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO के साथ कोई ना कोई प्राइमरी सोर्स भी फॉलो हो रहा होगा जो जनरल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ओवरऑल उस कंपनी उस NPO की जो अकाउंटिंग है वो कैसे होनी है वो उसके ऊपर होगा। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइमरी सोर्स की रिक्वायरमेंट है वो प्रिवेल करेंगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO पे। यानी अगर किसी जगह पे कन्फ्लिक्ट आ जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO में और प्राइमरी सोर्स में यानी IFRS में लेट से, तो इनमें से फिर हम IFRS को फॉलो कर रहे होंगे। इसी तरीके से ये भी अलाउड है कि जो NPO है वो कोई एडिशनल गाइडेंस भी रेफर कर सकती है प्राइमरी सोर्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO के अलावा भी। फॉर एग्जांपल एक मैटर पे हम कहते हैं कि उस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO के अंदर भी गाइडेंस नहीं है, उस मैटर पर IFRS में भी गाइडेंस नहीं है, लेकिन लेट से कि हम कहते हैं ICAAP की टेक्निकल रिलीज डॉक्यूमेंट एक है या ICAAP की जो सिलेक्टेड ओपिनियन हैं उनके अंदर उसके ऊपर हमें गाइडेंस मिल रही है कि उस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है, उस चीज़ की अकाउंटिंग कैसे करनी है, तो फिर हम उस एडिशनल गाइडेंस की तरफ भी NPO की अकाउंटिंग के लिए रेफर कर सकते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब प्राइमरी सोर्स की तरफ चलते हैं। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है जिसको हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं, यानी जिसके मुताबिक अकाउंटिंग हो रही होती है, और ये जो है वो अप्लाई होना है अदर देन बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO। तो इसमें जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज होती हैं जैसे यूटिलिटी कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज वगैरह हैं, तो वो तो IFRS फॉलो करती हैं जो ISB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इशू किए हुए हैं, और SCCP ने उनको पाकिस्तान में नोटिफाई किया हुआ है कि वो एप्लीकेबल हैं कंपनीज पे। अगर कोई लार्ज साइज NPO हो तो उस ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखा जाएगा कि लार्ज साइज क्या है, मीडियम और स्मॉल साइज क्या है, तो लार्ज साइज जो होगी वो भी IFRS को ही फॉलो करेगी जो ISB ने इशू किए हुए हैं बाय SCCP। अगर कंपनी का साइज मीडियम या स्मॉल साइज NPO है तो वो IFRS फॉर SMEs, ये एक डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, यानी ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो IFRS की निस्बत इनमें रिक्वायरमेंट्स कम हैं, ये कम डिटेल्ड स्टैंडर्ड हैं, ये भी ISB ने इशू किए हैं, इन्हें भी पाकिस्तान में SCCP नोटिफाई करता है,
तो फिर ये अप्लाई होंगे। तो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज और लार्ज साइज एंटिटीज जो है वो प्रॉपर IFRS फॉलो करती हैं, और जो मीडियम और स्मॉल साइज है वो IFRS फॉर SME फॉलो करती हैं। IFRS फॉर SME की रिक्वायरमेंट कंप्लीट IFRS के मुकाबले में निस्बतन कम है। फिर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है माइक्रो NPO का, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO में डिफाइन हुई है कि जो रजिस्टर्ड ना हो अंडर कंपनीज एक्ट, और उनका एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू भी 25 मिलियन से कम। तो 25 मिलियन जो है ये 2.5 करोड़ रुपए बन जाते हैं, यानी एनुअल जो उनका रेवेन्यू है डोनेशन से या दूसरे कामों से वो 25 मिलियन से कम हो, कंपनी एक्ट में भी रजिस्टर्ड ना हो, तो उन्हें माइक्रो NPOs कहा जाएगा। माइक्रो NPOs को दो तरीके से अकाउंटिंग अलाउड है। एक ऑप्शन तो उनको ये अलाउड है कि वो कैश बेसिस पे अपने अकाउंट्स बना लें, और जब वो कैश बेसिस जैसे रिसीट एंड पेमेंट बेसिस पे अकाउंट बनाए जाते हैं, अगर वो रिसीट एंड पेमेंट बेसिस पर अकाउंट्स बनाते हैं तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO जो है वो उन पर अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन उनके पास ये है कि वो एक्रूवल बेसिस पर अकाउंट्स बनाएं, और अगर वो एक्रूवल बेसिस पर अकाउंट्स बनाएं तो फिर उन पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO भी अप्लाई होगा। और एक फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है जो स्मॉल साइज एंटिटीज के लिए इशू किए हुए हैं, ये ICAAP की तरफ से है, तो ये भी फिर अप्लाई उन पर हो जाएंगे। फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में ये गाइडेंस है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप सिलेक्ट और अप्लाई करेंगे वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे। अगर हम रूटीन में देखें तो IS-8 जो है उसकी रिक्वायरमेंट भी यही है। इसी तरीके से एक और पॉइंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO में मेंशन है वो ये है कि अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPO से कोई डेविएशन करनी है, कोई डिपार्चर करना है, यानी उसकी किसी रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं करते, और तो वो डिस्क्लोजर से जस्टिफाइड नहीं होती। अब इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO में एक जगह पे ये बताया हुआ है कि अगर आपको किसी की तरफ से फ्री कंट्रीब्यूशन मिलती है तो उसको आपने फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है। अब आप उसको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करते, किसी और मेजरमेंट बेसिस पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन डिस्क्लोजर में जाकर अगर आप ये लिख भी देते हैं कि इस पे इस्तेमाल तो फेयर वैल्यू होनी चाहिए थी जो कि हमने नहीं की, तो इससे वो आपकी ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो जाएगी। यानी जो इनकरेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सिर्फ डिस्क्लोजर में बता देने से कि हमने इनकरेक्ट ट्रीटमेंट फॉलो की है उससे वो ठीक नहीं हो जाएगी। तो जब आपको पता है कि एक चीज़ गलत है तो उसे जानबूझकर गलत अगर पॉलिसी को अप्लाई कर रहे होंगे तो फिर जितना मर्जी आप डिस्क्लोजर दे दें, उसके बारे में बता भी दें बेशक, तो वो ट्रीटमेंट जस्टिफाइड नहीं होगी और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस कंसीडर नहीं होगी। तो ये टोटल हमारे इस वीडियो के छोटे से पॉइंट्स थे, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।